कौशिकी के तीन हमारी बेटी, मेरा नाम करुणाश्री है, इनकी मम्मी और इनके पापा है ये चंद्रशेखर। माए हैं निज़ामाबाद तेलंगाना से, और हमको ये डॉक्टर साहब के बारे में पता चला यूट्यूब से, तो उसमें पूरा सर्च करके पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करके हम यहाँ पे आए हैं। तो इससे पहले इनको तो बचपन में 2.5 साल तक तो ये अच्छा सुनती थी बोलती थी, मगर बाद में 2.5 साल के बाद धीरे से इनका सुनना कम हो गया और बोलना भी कम हो गया था। तो तब हमने ENT के पास गए, तो वहाँ पे उनका मेरा टेस्ट हुआ था, तो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस करके रिपोर्ट आया था। तो तब से लेकर अब तक यहाँ आने से पहले तक हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स गए, तो एलोपैथी में तो हमको केवल एक ही सोल्यूशन बताया था कि कॉपलियर इम्प्लांट ही एक सोल्यूशन है इसका। सो हम नहीं जाना चाहते थे ऑपरेशन के लिए, सो ऑल्टरनेटिव ढूंढते रहे, तो हमको आयुर्वेद का मिला समाचार। तो वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट हम रिसेंटली 1 साल पहले तक किया था, दो अलग अलग और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास महाराष्ट्र में कर रहे थे, और बाद में हमको उतना फ़र्क महसूस नहीं हुआ, तो बाद में हमने रोक दिया। फिर हमारे ही गांव में हम एक होम्यो डॉक्टर से इंफॉर्मेशन लिए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रीटमेंट दूंगा, तो उनका अभी 3 मंथ से एक होम्यो का ट्रीटमेंट हमारे गांव में चल रहा था। फिर अचानक यूट्यूब में ये डॉक्टर साहब के बारे में मालूम हुआ, तो हमने इंक्वायरी किया, फिर इंफॉर्मेशन गैदर करके यहाँ पे यही उम्मीद से आए कि इनका जो प्रॉब्लम है परफॉर्म हियरिंग लॉस का ठीक हो जाएगा। तो जस्ट होपिंग दैट मीन्स गॉड के ऊपर भरोसा रख के हम, और कोई उम्मीद के साथ, क्योंकि यूट्यूब में देखने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया कि यहाँ पे इतने सालों से 50 साल से करीबन यहाँ पे सर डॉक्टर सर ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को, बहुत सारे लोग अच्छे हो गए हैं ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला था हमको। तो वही उम्मीद के साथ हम गॉड पर और डॉक्टर साहब पर भरोसा करके यहाँ पे, निज़ामाबाद बहुत दूर जगह है, इनको लेकर यहाँ पे आए हैं। यहाँ जब हमारा पहला सिटिंग ट्रीटमेंट कंसल्टेशन था, तो बेबी को कुछ ड्रॉप्स दिए गए और कुछ ओरल मेडिसिन भी मिला है हमको 3 मंथ्स तक। फिर उसके बाद और अगर ज़रूरी है तो हमें कंटिन्यू करने के लिए कहा गया। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटी से बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी।